सा आपके करियर पे बात कर लेते हैं। एक बात और कही जाती थी कि आप जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट के बॉलर हैं, टेस्ट के बॉलर हैं, मगर आपने जिस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, शॉर्टर फॉर्मेट में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है, क्या कहेंगे? मैं ये बात करता हूँ कि बनाने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है कि आप जिस तरह मेहनत करते हो, जैसे आप गुमान करते हो, जैसे आपका बिलीव होता है, तो आप वही बनते हो। तो मेरे ख्याल से हम जितने भी इंसान हैं, हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं कि हम दूसरों के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है और वो क्या बनना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी के कहने से ऐसे नहीं हो सकता कि अगर किसी ने कह दिया कि आप टेस्ट के बॉलर हो या वनडे के बॉलर हो, या बॉलिंग होती है आपको मेहनत करनी होती है। और जिंदा मिसाल है, मैं तो एक चीज़ से बहुत मोटिवेट होता हूँ रिजवान भाई से इस मामले में, कि 2-3 साल पहले मैं भी अगर मैच देखता था तो मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि रजी भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी जब आप बैटिंग करते थे तो मैंने शायद कुछ ऐसे बोला था, यार छक्का ही नहीं मार सकता। और अभी आपके सामने के रिजवान भाई दुनिया के ICC के बेस्ट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनको अवार्ड मिला है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक मेहनत करता रहता है और खुद पे बिलीव होता है और वो सोचता ही है कि मैं कर सकता हूँ और मैं हर किस्म के क्रिकेट में खेल सकता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान के कहने से आप टेस्ट या वनडे या T20 के बॉलर बनते।